दोस्तों कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका फिर से एक न्यू वैकेंसी के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की तरफ से डिप्लोमा और बीबीटेक वालों के लिए 800 प्लस पोस्टों के लिए वैकेंसी आई हुई है। यहां पर लगभग सभी ब्रांचों के लिए वैकेंसी है। यहाँ पर सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियर एलिजिबल रहेंगे। सैलरी आपको काफ़ी अच्छी मिल जाएगी और ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और क्या बताया गया है इनके ऑफिशियल नोटिस में, उसमें आगे जाने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित किसी भी लेटेस्ट जॉब का अपडेट आपसे मिस ना हो। और आप प्रीमियम टाइप जॉब्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हम हैं इनके ऑफिशियल नोटिस पर। नोटिस आपका अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की तरफ से जारी किया गया है। यहाँ पर आपकी अलग अलग पोजीशंस के लिए वैकेंसी है। डिप्लोमा और बीबीटेक वाले यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सभी पोस्टों के लिए यहाँ पर आपसे कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जिन पोस्टों में आपसे सबसे कम एक्सपीरियंस मांगा गया है। सबसे पहली पोस्ट यहाँ पर आपकी रहने वाली है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए। पोस्ट आपकी यहाँ पर सीनियर इंजीनियर या फिर डिप्टी मैनेजर की रहेगी। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है यहाँ पर आपकी 25। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में यहाँ पर आपसे बीबीटेक या फिर डिप्लोमा मांगा गया है इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, और मिनिमम आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अगली पोस्ट यहाँ पर आपकी रहने वाली है टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल के लिए। 200 पोस्टों के लिए वैकेंसी है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में यहाँ पर आपसे डिप्लोमा और आईटीआई मांगा गया है इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, और मिनिमम आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है टेक्नीशियन सिविल के लिए। 200 पोस्टों के लिए वैकेंसी है। डिप्लोमा और आईटीआई आपसे मांगा गया है इन सिविल इंजीनियरिंग में, और मिनिमम आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट पोस्ट यहाँ पर आपकी रहने वाली है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए। यहाँ पर आपकी 150 पोस्टों के लिए वैकेंसी है। डिप्लोमा यहाँ पर मांगा गया है आपसे इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, मिनिमम आपके पास 5 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट यहाँ पर आपकी रहने वाली है जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए। 150 पोस्टों के लिए वैकेंसी है। डिप्लोमा आपसे मांगा गया है इन सिविल इंजीनियरिंग में, मिनिमम आपके पास 5 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। अगली पोस्ट यहां पर आपकी इंजीनियर और असिस्टेंट मैनेजर के लिए रहने वाली है। 10 पोस्टों के लिए वैकेंसी है। बीबीटेक या फिर डिप्लोमा अगर आपके पास है इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में और मिनिमम आपके पास 5 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो आप यहाँ पर एलिजिबल रहने वाले हैं। और अगली पोस्ट यहाँ पर आपकी रहने वाली है इंजीनियर या फिर असिस्टेंट मैनेजर के लिए। 10 पोस्टों के लिए वैकेंसी है। बीबीटेक या फिर डिप्लोमा आपसे मांगा गया है इन सिविल इंजीनियरिंग में, मिनिमम आपके पास 8 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है एसोसिएट मैनेजर या फिर मैनेजर के लिए। 20 पोस्टों के लिए वैकेंसी है। बीबीटेक या फिर डिप्लोमा आपसे मांगा गया है इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। अगली वैकेंसी आपकी रहने वाली है यहाँ पर मैनेजर के लिए। 20 पोस्टों के लिए वैकेंसी है। बीबीटेक या फिर डिप्लोमा है आपका सिविल इंजीनियरिंग में, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी बीबीटेक और डिप्लोमा वालों के लिए है, और यहाँ पर आपसे ये एक्सपीरियंस मांगा गया है। अब बात कर लेते हैं हाउ टू अप्लाई, आप इसके लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू रखा गया है। इंटरव्यू यहाँ पर आपका 19 और 20 तारीख में है। 19 वाला तो इंटरव्यू आपका हो चुका है और 20 वाला कल होना है सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक। तो आपको वहाँ पर क्या क्या लेकर जाना है, आपको अपना अपडेटेड CV लेना है, आपकी जो भी लेटेस्ट सैलरी स्लिप है वो आपको लेनी है, और आपके जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है लाइक क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, ये सारी चीज़ें आपको लेकर पहुंच जानी है इस वाले एड्रेस पर। तो जिन भी दोस्तों ने हमारे डिप्लोमा या फिर बीबीटेक किया है इन ब्रांचों से, अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड होते हैं, एलिजिबल होते हैं, तो आप यहां पर ज़रूर ये इंटरव्यू अटेंड कीजिए। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सबका थैंक यू, शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और सिविल इंजीनियरिंग के सबसे ज़्यादा जॉब्स अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।